आज जो हमारा टॉपिक है वो है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एब्डोमिनल रीजन। जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, मेनली जो पेट वाला जो हिस्सा है ना हमारी बॉडी का, उसकी हम एनाटॉमी जो है ना उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ जो है ना उसके पार्ट्स वगैरह वन बाय वन उनके बारे में भी बताऊंगी। जो एब्डोमिनल रीजन जो होता है, जो पेट वाला हिस्सा होता है आपका, उसको हम लोग 9 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड करते हैं। और ये हम ये डिवीजन क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे पेट के अंदर जो एब्डोमिनल रीजन है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पड़े हुए हैं बॉडी के, ठीक है। उन ऑर्गन्स की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको क्या है 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, एम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर, राइट आइलिक फोसा, हाइपोगेस्ट्रियम और लेफ्ट आइलिक फोसा। ये मैंने बनाया हुआ है आपके एब्डोमिनल जो पेट वाला हिस्सा जो है ना एब्डोमिनल रीजन, वो मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। ऊपर ये वाली सारी चेस्ट है, ठीक है, ये रिब्स वगैरह वाला है, नीचे ये डायफ्राम। इस डायफ्राम से आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ऊपर का ये सारा हिस्सा है, ठीक है। अब इस पे देखें, हम इसको जो है ना डिवाइड कर रहे हैं, ये सेंटर में हमारा है एपिगैस्ट्रियम। लाइक डायफ्राम के नीचे अगर हम देखें, ये जो हमारी चेस्ट के नीचे है ये हमारा क्या है एपिगैस्ट्रियम रीजन है, ठीक है। इसके राइट साइड पे हमारे पास है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, और लेफ्ट पे है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और सेंटर में क्या है एपिगैस्ट्रिक। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो आपके चेस्ट के नीचे, जो आपका राइट साइड वाला ये जो हिस्सा है जहाँ आपका लीवर और उसके पीछे जो है गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, और अगर लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डिजीज होती है, या गॉल ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, लाइक गॉल ब्लैडर के स्टोन्स वगैरह है वो हो जाए, या जो हेपेटाइटिस वगैरह है, ठीक है, अगर ये कोई डिजीज होती है तब हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको इस एरिया में जो है ना वो पेन फील होता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं उसके लीवर और गॉल ब्लैडर को, और उसके बाद हमें पता चलता है कि इनको जो है ना यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तब हम इस साइड की डायग्नोसिस की तरफ फर्दर मूव करते हैं। और सेंटर में कौन सा है एपिगैस्ट्रिक है, लीवर, क्योंकि उसका कुछ जो है लोग का, क्योंकि लीवर का साइज काफ़ी बड़ा है, कुछ उसका राइट पोर्शन इधर आएगा, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा पोर्शन जो लोब्स हैं वो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी फील होंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टमक पेन जो है ना वो भी महसूस होती है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आपका पड़ा हुआ स्टमक और स्प्लीन। स्टमक में अगर पेन फील होता है तो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी इसका जो दर्द होता है वो फील होता है। और स्प्लीन है, अगर स्प्लीन का साइज बड़ा होता है तो यहाँ हम उसको पल्प करके फील कर सकते हैं। लाइक मलेरिया और टाइफाइड के अंदर क्या होता है, स्प्लीन का जो है वो साइज जो है इंक्रीज होता है। हाइपोकॉन्ड्रियम से नीचे अगर हम थोड़ा मूव करें तो हमारे जो ये रीजन है ये राइट लंबर रीजन है, इस साइड पे लेफ्ट लंबर है, और सेंटर में अम्बिलिकल रीजन है, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन बेसिकली जहाँ पर हमारी नाफ जो है ना वो मौजूद है, इस रीजन को बोलते हो अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन के राइट साइड पे राइट लंबर और इसके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंबर है। राइट लंबर पे आपकी राइट किडनी और लेफ्ट लंबर पे आपकी लेफ्ट किडनी ये मौजूद है। अगर आपकी किडनीज में लेफ्ट या राइट किडनीज में पेन वगैरह, कोई सोज वगैरह या किसी भी वजह से कोई पेन फील होता है तो आपको इस लंबर रीजन में महसूस होगा, ठीक है। आपको ये जो अम्बिलिकल रीजन है इसके अंदर कुछ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स वगैरह आते हैं, और अगर डायरिया वगैरह होना तो उसका पेन यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में फील होगा, ठीक। नीचे है आपके राइट आइलिक फोसा और इस साइड पे है लेफ्ट आइलिक फोसा, ठीक है। लेफ्ट आइलिक फोसा वाली साइड पे आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कुछ पार्ट्स आते हैं,
उसके अलावा किडनी है, लेफ्ट किडनी, तो लेफ्ट किडनी की जो ट्यूब होती है जिनको यूरिनरी बोलते हैं, वो आपके लेफ्ट एलियन फोसा के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इस यूरिनरी के अंदर कोई स्टोन्स वगैरह हो तो उनका जो पेन होता है वो हम इस रीजन के अंदर फील करेंगे। अगर राइट किडनी के यूरिनरी वगैरह में कोई पेन होता है किसी स्टोन वगैरह की वजह से, तो तब हम उसको यहाँ पे फील करेंगे आपके राइट एलियन फोसा पे। उसके अलावा यहाँ पे अपेंडिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो इसका पेन जो है ना आपकी राइट साइड पे, इस राइट एलियन फोसा वाली साइड पे जो है ना वो फील होगा। सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में जो पड़ा है वो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपका यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल्स का यूट्रस वगैरह जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होता है। अगर आपके ब्लैडर में किसी भी वजह से पेन फील हो रहा है, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई ब्लैडर स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसका जो पेन होता है वो हमें इस रीजन में जो है ना फील होगा, ठीक है। ये हमारा था आज एब्डोमिनल रीजन, हमने इसको डिवाइड किया था 9 पार्ट्स में और आगे इसकी अप्लाइड एनाटॉमी वो हमने डिस्कस की। मैं एक बार इसको अगेन रिवाइज करवा देती हूँ पार्ट्स को स्पेशली। नंबर 1 पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर अम्बिलिकल लेफ्ट लंबर, राइट एलियन फोसा हाइपोगैस्ट्रियम और 9 पे आपका लेफ्ट एलियन फोसा। ओके, ये 9 पार्ट्स हो गए। राइट साइड पे लीवर एंड गॉलब्लैडर है, लेफ्ट साइड पे आपका स्टमक एंड स्प्लीन, सेंटर में आपका लीवर की कुछ साइड और स्टमक पेन वगैरह जो है ना ये आपने यहाँ फील करना है एपिगैस्ट्रिक के अंदर। राइट लंबर में राइट किडनी, लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी, अम्बिलिकल में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है, डायरिया वगैरह का पेन यहाँ फील होगा। उसके बाद हमारे पास है राइट एलियन फोसा, अपेंडिक्स, लेफ्ट एलियन फोसा इसमें सिग्माइड कोलन और लेफ्ट यूरिनेट वगैरह, और आपका ये जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है जो अम्बिलिकल के नीचे है, ब्लैडर पेन वगैरह यहाँ पे हम फील करते हैं। थैंक यू।